सरदार जी कैसे हो? सब बल्ले बल्ले? अच्छा सरदार जी, तुम इधर आओ, मंच पे चढ़े आ। तुम्हारी अर्जी नहीं लगेगी, वहीं रोको, माइक लो, इन्हें माइक दो। तुम्हारी अर्जी नहीं लगनी, चालू करो। सरदार जी, हम दो पर्चा बनाएंगे, नंबर एक और नंबर दो। इन लाखों लोगों में आपको आप पगड़ी के तो सत्य के होंगे ही होंगे। आप जिनको पहचानते ना हो, हम पर्चा पहले से बिफोर टाइम लिख कर रख देंगे और आप जिनको लेकर आएंगे उन्हीं का पर्चा निकलेगा। बोल बागेश्वर धाम महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। हम पर्चा पहले लिखेंगे और लिख करके रख देंगे, आप जिनको लेकर आएंगे वो जो भी क्वेश्चन करेगा उसके बोलने वाली बातें पहले से ही पर्चे पर लिखी मिलेगी। और ये कैसे संभव है ये हनुमान जी जाने। लेकिन एक बात बोल लें, सरदार जी उठाएंगे और बुलाएंगे भी उसी को जिसका पर्चा होगा। बोल बागेश्वर धाम महाराज की। हो जाए क्या ऐसा? हो सकता है? बिल्कुल होगा महाराज, होगा, अवश्य होगा। साधु जी, सीताराम। अब शोर ना मचाओ, दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। जी, ये हमने बालाजी की प्रेरणा से दो पर्चा बना लिए हैं, दोनों को लिख लिया है, मोड़ भी दिया है, दोनों को रख भी दिया है। अब आप जाइए, पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़ों में, जवानों में, आप जिसको लाएंगे उन्हीं के पर्चा निकलेंगे। ये कैसे होता है? लगाओ बुद्धि, जो कहते थे दिमाग पढ़ लेते हैं, मन पढ़ लेते हैं, तुम्हारी ठठरी है, हमारा सामना करो, हम गीला कर देंगे और पूरी पढ़ाई लिखाई धर देंगे। हम तो ऐसे ही हंसते रहते हैं। कहो भी पहले ये वाला हो जाए। सरदार जी एकदम पीछे चले जाओ, बल्ले बल्ले। खुशी राव, इंटरव्यू माला हमने एक बच्चे को दे दी, तुम्हें भी दे दी। तुम अच्छे आदमी, हमने तुम्हारी बुराई नहीं की थी, तुम अच्छे आदमी। बोल बागेश्वर धाम महाराज की। बोल बागेश्वर धाम महाराज की। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। सीताराम। साधो जी। चलिए चलिए। अच्छा तुम भविष्यवाणी करके जानत का, तुम पे कह रहे कुर्ता वाले, हम तुम भविष्यवाणी करके जानत का, हम सुना रहे तुम का कह रहे। टाइम पूरा होगा।
ऊपर टेंट पे नहीं टंगो ना, नीचे आओ। नहीं नहीं गलत बात है यार भैया, टेंट पे मत टंगो। दो लोग लेवा ले आए सरदार जी, एक एक और इन्हें माता जी को यहीं खड़ा कर दो, रुक जाओ, चलो, चलो। जाओ ले आओ। पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़े ठेढ़े, आगे से पीछे से बाहर से कहीं से भी, बिना माइक के तो माइक से। जय आगे से उठा लें, चाहे वे जहां से उठा लें वो उनकी मर्जी। सीताराम, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि कोई बिफोर टाइम लिख दे। बिफोर टाइम का मतलब होता है पहले से। अब ये भविष्य पर निश्चित है कि वो किसको लाएंगे, लेकिन ये शक्तियों की करामात है और बालाजी की ये करामात है कि वे लाएंगे उसी को जिसका पर्चा लिखा होगा। हाँ, यहां उनकी बुद्धि नहीं चल सकती। राम, आप आ जाइए, जो ब्लैक ब्लैक सिर पे बांधा हुआ है उनको, वो आ जाइए, आइए आइए, इसको बुला, इसको आने दीजिए कृपया। ये जिन्होंने काले रंग का सिर पे बांधा हुआ है इन्हें आने दीजिए, आइए आइए, बाकी लोग बैठ जाइए, आइए महाराज बुला रहे, आ जाइए बैठ जाइए। हाँ जी, गुरुजी के खा लो प्राण। खजरा पांडुरंगा, वहीं रहो, देखो सबकी अर्जी लगेगी, निराश मत हो। आओ माता तुम्हारी भी लग गए। जी बहन, जी बहन, जी राम, सीता राम, साधु जी, ओ साधु जी, अब आनंद आएगा। सरदार जी आप भी साथ में वहीं खड़े हो जाइए दोनों लोगों को लेकर। यू कम हियर, खड़ा कर लीजिए। ये फाइनल है आपके चुने हुए लोग, आपको बदलना तो नहीं है। अगर आपको बदलना हो तो बदल लीजिए, आपको एक और मौका है। अगर बदलेंगे तो ठीक, नहीं बदलेंगे तो ठीक, बदलोगे तो उनका पर्चा निकलेगा, नहीं तो इनका तो है ही है। बदलना है नहीं, फाइनल लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर महाशय लॉक कर दिया जाए। अब आप जिनको आगे भेजना चाहते हो भेज दीजिए। आपका नाम क्या है सरदार जी, अपना परिचय दो सबको। मेरा नाम रोमी चड्ढा है, मैं इंदौर से हूँ गुरुजी। यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके सेवक मंडल में हूँ गुरुजी। सेवा मंडल जी? कौन से? ये पूरा स्टेज, गेट, मंच और सबकी व्यवस्था में हूँ गुरुजी। ओ जी गुरुजी, तो गुना वालों की तरफ से आए? जी गुरुजी। क्या नाम इनका? नीरज जी की तरफ से। नीरज जी की तरफ से जी। नीरज निगम जी का इतना, इतनी सेवा है गुरुजी, हम सबको भी उन्होंने सेवा का मौका दिया है। अरे आपके चरणों में किसी तरीके से जुड़ने का मौका मिला है गुरुजी। आपने ये लोग, आपसे परिचित तो नहीं है? बिल्कुल आप इन्हें जानते तो नहीं है? नहीं गुरुजी नहीं। ठीक है,
माता जी इधर देखो, रो मत, माइक लो, पूछिए क्या प्रश्न है। आज का इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? हमारे पास पर्चा है दो नंबर, एक नंबर दो। अब आपने जिनको भेजा है कौन सा खोला जाए गुरुजी? फाइनल दो नंबर, एक तो नहीं, नहीं गुरुजी दो नंबर, फाइनल, बिल्कुल फाइनल। ये दूर से देखिए, वहीं से जी गुरुजी, कितना नंबर है भैया? कैमरे पे भी कर दीजिए, फाइनल। माता जी पहले तो आप माइक लीजिए। गुरुजी उनका कहाँ ना, कहाँ से आई हो आप? गुना से, गुना से, गुना से। गुना में कहाँ रहती हो? भगत सिंह कॉलोनी में रहती हैं। आपका नाम क्या है? पढ़िए। परिवार में एकता रहेगी, कोई प्रश्न नहीं है। पति का जन्मदिन है, उन्हें आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाई हैं। बोल बागेश्वर धाम महाराज की, बोल बागेश्वर धाम महाराज की। पहले माइक से बोलिए यस नो। महाराज वो आपसे मिलना चाहते, उन्हें एक बार बुला दीजिए। इनके पति कृपया आने दीजिए, कहाँ बैठे हैं देख लीजिए। और कुछ नहीं चाहिए आपने? और कुछ नहीं, माइक से बोलो। कुछ नहीं चाहिए, केवल आशीर्वाद, बुला लीजिए, उन्हें आने दीजिए, रास्ता दीजिए। लेकिन हमने आपके पति के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लिख कर रखा है, ये बात आपने बताई तो नहीं पहले से? सरदार जी को तो नहीं बताई? शास्त्री का जी आपको तो नहीं बताई? वो आपसे बहुत मिलना चाह रहे थे महाराज। आइए रोते नहीं, बस बस बस, रोते नहीं, रोते नहीं, दोनों चुप हो जाओ। बोल बागेश्वर धाम महाराज की, बोल बागेश्वर धाम महाराज की। माइक से बोलो सब। आपको पहले तो जन्मदिवस की शुभकामनाएं। और आपने सोचा था कि ऐसी अर्जी लगेगी? माइक चालू। बागेश्वर धाम की कृपा से मैं जिंदा हूँ महाराज, आपके चरणों की कसम, सन्यासी बाबा की कसम, मैं जिंदा केवल बागेश्वर धाम की वजह से हूँ, वरना इस गुना वालों ने मुझे मार दिया था महाराज। इस गुना वालों ने मुझे भगाने की प्लानिंग कर ली थी कि मेरे तीन मित्र, एक संतोष सिंह जाट और एक अजय सोनी और एक संजय बावर वाला, इन तीनों ने मेरी मदद करी है महाराज। मुझे बागेश्वर धाम की कृपा से ही मैं बचा हूँ, जिंदा हूँ, नहीं तो इन गुरुओं ने मार दिया था। अब एक गिफ्ट और लिखा हमने तुम्हारे लिए जी, जो काम कर रहे वो तेज चलेगा, ऐसे ही धन की कृपा होती रहेगी, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। धन्यवाद महाराज, जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव महाराज की जय हो बाबा, कृपा है बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद आपके चरणों में बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे बालाजी के पास आना, हम एक कवच देंगे, जाओ खुश रहो। नेक्स्ट इसी का नाम है बालाजी की, किसकी कृपा? जो भारत के लोग कहते थे कि दिमाग पढ़ते हैं, विदेशी कहते थे दिमाग पढ़ते हैं, हमने उनके ही देश में जाकर उनकी ही ठठरी बारी ऐसे ही, तब फिर उन्हें भी मानना पड़ा और अपनी संसद में बुलाकर उन्हें सम्मानित भी करना पड़ा और बाद में उन्हें जीवन भर के लिए चेला भी बनना पड़ा। माइक उठाइए, आइए नजदीक, माइक उठाइए। कहां से आए हैं? रिजोदा गांव से। रिजोदा। क्या नाम है? सुनील।
क्या प्रश्न है? बिना माइक के बोलना है, हम माइक से बोलेंगे। हाँ रख दो, बोलो। हाँ बोलते जाओ, वो तो लिखा होगा पर्चे में, पढ़े हो? माइक से बोलो, पढ़े हो? पढ़ लेते हो? पढ़ लेता हूँ। पढ़ लेते और पूछो। सरदार जी ये कितना नंबर है? एक एक नंबर गुरु जी। फाइनल? आइए नजदीक। उनका नाम क्या है? इसमें लिख कर आया है। पित्र दोष 2016 से बने, बीमार उपद्रव मचा, पत्नी को दिक्कत है, सुमन को पूरे शरीर में, एवं संघर्षमय जीवन है, आय का स्रोत नहीं, सुमन ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। बराबर, यही प्रश्न है। ये मंत्र उनके लिए है, धाम की पेशी करो, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। और राम सीताराम, साधु जी सीताराम, काम करना चाहते हो? व्यापार एक व्यक्ति के साथ में? अच्छा पैसों की भी बात हो गई है। अच्छा एक जगह से उधार भी उठाना है, रिश्तेदार में चर्चा भी चल गई है, जाओ वो रुपया भी मिलेंगे और काम भी शुरू होगा। बोल बागेश्वर धाम महाराज की, बोल बागेश्वर धाम महाराज की। आ जाए।